हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं फिर आपके लिए नया वीडियो लेकर आया हूँ। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन 3। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। इंसर्ट कॉमा सुइटेबली एंड राइट द नेम्स अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। जो नंबर्स दिया हुआ है उसको कॉमा लगाना है और क्या करना है, और नंबर्स को वर्ड में लिखना है इंडियन सिस्टम में। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने का आज मैं दो तरीके बताऊंगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये फर्स्ट तरीका है, ध्यान से देखिए। मैं नंबर, ये टेबल है, ये नंबर पुट करूंगा। मान लो सिक्स टू थ्री नाइन वन जीरो टू वन। अब देखिए, अब इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे। अब देखो, ये ओन्स है, ये 10 है, ये 100 है, ये 1000 है, ये 10,000 है, लाख है, 10 लाख है, करोड़ है। ठीक है, मैं नंबर 3 में लार्जेस्ट नंबर है। अगर आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है, प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा। अब देखिए, ये 6 है, ये करोड़ में है, तो क्या हो जाएगा, 6 करोड़ हो जाएगा। उसके बाद देखिए, ये जो 2 है, ये 10 लाख में है, 10 लाख, 10 में 1 और 0 होता है, इनसे डबल जीरो होगा। ये तो सिंगल डिजिट है 2, तो डबल डिजिट बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, तो साथ में इसको 2 को भी लेंगे, क्योंकि 2 भी लाख में है, तो क्या हो जाएगा, 23 लाख। ठीक है, उसके बाद देखिए, ये जो 9 है, ये 10,000 में है, फिर इसको 10,000 मीन्स 10 मीन्स 1 और 0, डबल डिजिट है, डबल डिजिट बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा, 1 को भी साथ में लेके चलेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए, 91 हो गया, 91 क्या है, 1000, तो क्या हो जाएगा, 91,000। उसके बाद देखिए, उसके बाद 100 में 0 है, तो कुछ नहीं लिख पाएंगे हम लोग। उसके बाद देखिए क्या है, 10 और ओन्स में है, मीन्स 21, 91,021। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 6 करोड़, 23 लाख, 91,021। ठीक है, ऐसे नंबर को हम लोग रीडिंग और राइटिंग करना सीखेंगे। ठीक है, ये हो गया ट्रिक नंबर 1। अब ट्रिक नंबर 2 को देखते हैं। बच्चों, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं कुछ तरीके बताऊंगा। ट्रिक नंबर 2, अब ध्यान से देखिएगा इसको, ताकि आप जल्द से जल्द क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। अब देखिए, 100, 100 मीन्स 1 के बाद कितना डिजिट, 2 डिजिट। ठीक है, ये 1 को छोड़ देना है, 1 के बाद देखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए, 1000, 1 के बाद 1 को छोड़ देना है, 1 के बाद कितना डिजिट है, 3 डिजिट, ये 3 डिजिट है, इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है। 10,000, 10,000, 10 को छोड़ना है, 10 के बाद कितना डिजिट है, 3 डिजिट। 1 लाख, 1 को छोड़ना है, यहाँ कितना डिजिट होगा, 5 डिजिट, मेरे 5 डिजिट लिखना भूल गया, माफ़ कीजिएगा। देखिए 5 डिजिट 1 के बाद। ठीक है, उसके बाद 10 लाख है, ये 10 को छोड़ना है, 10 के बाद कितना डिजिट होना चाहिए, 5 डिजिट, मीन्स क्या हो जाएगा, लाख हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, 1 करोड़, 1 को छोड़ना है, 1 के बाद देखना है, 1 के बाद कितना डिजिट, 7 डिजिट है, तो क्या हो जाता है, 1 करोड़ हो जाता है। ठीक है, 1 के बाद कोई भी नंबर होता
मान लो 95 होता, 95 के बाद 7 डिजिट होता, 95 करोड़ हो जाता। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन देखेंगे। 8759572, ये जो नंबर है, मैंने जो पहला वाला ट्रिक बताया था ऐसे मैंने सजा दिया है। ओन्स, 10, 100, 1000, 10,000 लाख, 10 लाख, 8 करोड़। 8 करोड़ में है तो 8 करोड़ हो जाएगा, 8 करोड़ हो गया। उसके बाद देखिए 10 लाख में 7 है, 7 तो 1 डिजिट हो रहा है, 10 लाख में 1 और 0 डबल डिजिट है, तो इसीलिए 7 में 5 को भी लेना पड़ेगा। ठीक है, अब 7 में लेंगे तो क्या हो जाएगा, 75, 75 यहाँ लाख है इसीलिए 75 लाख हो गया। उसके बाद देखिए 95, 95, ये 9 जो है 10,000 में है तो 5 को भी लेना पड़ेगा, तब जाकर ना डबल डिजिट होगा। ठीक है, 95 के बाद क्या हो जाएगा, 95 के बाद 1000 हो जाएगा, 1000 हो गया क्योंकि 1000 में है। उसके बाद देखिए ये 700 में है तो 700 हो गया। उसके बाद 62 है, 62 लिख दिए। ठीक है, अब इसको जो सेकंड वाला तरीका बताया था उसे ट्राई करेंगे। उसके बाद देखिए 10 लाख में 7 है, 7 तो 1 डिजिट हो रहा है, 10 लाख में 1 और 0 डबल डिजिट है, तो इसीलिए 7 में 5 को भी लेना पड़ेगा। ठीक है, अब 7 में लेंगे तो क्या हो जाएगा, 75, 75 यहाँ लाख है इसीलिए 75 लाख हो गया। उसके बाद देखिए 95, 95 ये 9 जो है 10,000 में है तो 5 को भी लेना पड़ेगा, तब जाकर ना डबल डिजिट होगा। ठीक है, 95 के बाद क्या हो जाएगा, 95 के बाद 1000 हो जाएगा, 1000 हो गया क्योंकि 1000 में है। उसके बाद देखिए ये 700 में है तो 700 हो गया। उसके बाद 62 है, 62 लिख दिए। ठीक है, अब इसको जो सेकंड वाला तरीका बताया था उसे ट्राई करेंगे। नंबर तरीका में ट्राई करेंगे, 8 के बाद देखिए कितना डिजिट है, 7 डिजिट है तो 8 करोड़ हो गया। उसके बाद 7 को देखेंगे, 7 के बाद कितना डिजिट, 6 डिजिट है, ऐसे तो मैंने नहीं बताया था। अगर दोनों को ले ले उसके बाद देखिए 5 डिजिट हो रहा है तो क्या हो जाएगा, 75 लाख। उसके बाद देखिए 9 के बाद कितना डिजिट है, 9 के बाद देखिए 4 डिजिट है, 4 डिजिट वाला तो मैंने नहीं बताया था। अगर 95 को लेके चलेंगे तो कितना डिजिट आगे है, 3 डिजिट है, तो क्या हो जाएगा, 95,000। उसके बाद 7 के बाद 2 डिजिट है तो 762। ठीक है, अब देखिए कोमा को ध्यान से देखिए, कोमा 8 करोड़ है तो 8 के बाद कोमा हो जाएगा। उसके बाद 75 लाख है, 75 के बाद कोमा हो जाएगा। उसके बाद 95,000 है, उसके बाद 95 के बाद कोमा हो जाएगा। ठीक है, अगर आप सेकंड नंबर वाला तरीके अच्छे से नहीं समझ में आ रहा तो मेरे प्रीवियस वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन बी नंबर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन बी में देखिए 8546283, अब देखिए जो नंबर्स है मैंने सजा दिया है। ओन्स, 10, 100, 1000, 10,000 लाख, 10 लाख। अब देखिए 10 लाख में 8 है तो 10 लाख मीन्स 7 में दोनों को लेना पड़ेगा। ठीक है, 10 में 1 और 0 डबल डिजिट होता है ना, तो इसीलिए हम लोग को डबल डिजिट इसको लेना पड़ेगा। ठीक है,
पास वाला को, आगे वाला को, एट, इसीलिए 85 हो गया। तो क्या हो जाता है, 85 लाख हो गया। उसके बाद देखिए फोर का बारी, फोर भी 10,000 में है, तो 10,000 मीन्स फोर और सिक्स को लेना पड़ेगा। फोर सिक्स क्या हो जाएगा, 1,000 हो जाएगा। 85 लाख, 46,000। उसके बाद जो 100 है, ये टू है, टू के बाद कितना है, 83 है, तो क्या होगा, 283 हो जाएगा। अब जो सेकंड ट्रिक मैंने बताया था उसको देखिए, 8 के बाद कितना डिजिट है, 7 डिजिट है, सॉरी 8 के बाद कितना डिजिट है, ये 3 हो गया, 3 हो गया, 6 डिजिट है। 6 डिजिट तो मैंने नहीं बताया था। अगर मान लो 85 को लेके चले तो क्या हो जाएगा, इधर से 5 डिजिट, तो इसीलिए क्या हो गया, 85 लाख हो गया। उसके बाद देखिए फोर का बारी, फोर के बाद कितना डिजिट है, 4 डिजिट है, ऐसे तो नहीं बताया था। अगर 46 को लेकर चले तो क्या हो जाता है, 3 डिजिट मीन्स 1,000, 46,000 हो गया। उसके बाद देखिए टू के बाद कितना डिजिट है, 2 डिजिट है, तो क्या हो जाएगा, 283 है, 83। ठीक है, अब देखिए कोमा कहाँ लगाना है, 85 के बाद लाख है तो 85 के बाद कोमा लगाना है, उसके बाद 46,000 है तो 46 के बाद कोमा लगाना है और कहीं नहीं लगाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी, 999-000-46। अभी इसको मैंने सजा कर लिखा है, ओन्स 10, 100, 1,000, 10,000, 1,000,000, 10,000,000, करोड़। करोड़ दूसरा तरीका से मैं ये बताऊंगा, 9 के बाद कितना डिजिट है, 7 डिजिट है, तो क्या हो जाएगा, 9 करोड़ हो गया। उसके बाद देखिए उसके बाद ये 9 का बारी, 9 के बाद कितना डिजिट है, 6 डिजिट है, 6 डिजिट तो मैंने नहीं बताया था। अगर और एक 9 को साथ में ले ले, 99 के बाद कितना डिजिट, 5 डिजिट है, 5 डिजिट मीन्स लाख, इसलिए 99 लाख हो गया। उसके बाद 46 है, 46। अब देखिए कोमा कहाँ लगाएंगे, 9 करोड़ है तो यहाँ क्या होगा, 9 के बाद कोमा, उसके बाद 99 लाख, 99 के बाद कोमा। उसके बाद देखिए उसके बाद 00 के बाद लगाएंगे। अब मान लो ये 00 के जगह में अगर मान लो 4 और 2 होता तो क्या हो जाता, 42,000 हो जाता, इसीलिए हम लोग 00 के बाद 0 लगाए। ओके, अब देखिए क्वेश्चन डी में देखते हैं। डी में देखिए 9843-2710, मैंने जो पहला वाला तरीके बताया था वैसे मैंने नंबर को अरेंज कर दिया है। देखिए ओन्स 10, 100, 1,000, 10,000 लाख, 10 लाख, 9 करोड़ है, 9 करोड़ हो गया। उसके बाद देखिए जो 8 है 10 लाख में है, बट दोनों को लेना पड़ेगा क्योंकि 10 में 1 और 0 होगा, डबल डिजिट है, डबल डिजिट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो डबल डिजिट किया तो क्या हो जाएगा, 84 हो गया, 84। ठीक है, उसके बाद देखिए लाख में है तो लाख हो जाएगा। उसके बाद देखिए 32, ये 3 जो है 10,000 में है तो दोनों को साथ में लेना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, 32,000, 700 में है तो 700 हो गया, 1 है, 1 हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब दोनों में से कोई भी तरीका से कीजिए जो आपको अच्छा लगे वीडियो, और हाँ वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।